टीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टीआर ने अपोजिशन कांग्रेस और बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए हर महाज पर दोनों जमातों को मुंह तोड़ जवाब देने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी और साथ ही बहुत जल्द 500 नामजद जायदादों पर तकरारात करते हुए पार्टी के लिए खिदमात अंजाम देने वाले कायदीन से इंसाफ करने का तयक्कुन दिया है। जल विहार में ग्रेटर हैदराबाद टीआरएस कायदीन के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि 20 साल केसीआर की जदोजहद के बाद अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाई है। तेलंगाना कांग्रेस और तेलंगाना बीजेपी चीफ मिनिस्टर केसीआर की दी हुई भीख है। मुत्तहिद आंध्र प्रदेश में नजरअंदाज होने वाले कायदीन अलहदा तेलंगाना रियासत तश्कील पाते ही केसीआर को ही तनकीद का निशाना बना रहे और गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए निचली सतह को सियासत कर रहे। उन्होंने अपोजिशन जमातों का मुंह तोड़ जवाब देने की पार्टी कायदीन को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि KTRS ग्रेटर हैदराबाद की ताकतवर जमात है जिसके 60 लाख अरकान हैं। रियासत के 33 इजला में TRS पार्टी के दफातर तामीर किए जा रहे। उन्होंने पार्टी कायदीन को आपस में एक दूसरे से मशावरत करते हुए 29 सितंबर तक 6300 बस्ती व कॉलोनी कमेटियां तश्कील देने का मशवरा दिया। साथ ही 150 डिविजन्स में कमेटियां तश्कील देने पर जोर दिया। KTR ने कहा कि गली से दहली तक TRS की जय जयकार है। पार्टी के लिए दिन रात काम करने वाले कायदीन के साथ पार्टी इंसाफ करेगी। अनखरीब नामजद अहदेदारों में सदर नशीन के अलावा अरकान की 500 मखलुआ जायदादों पर तकरारात किया जाएगा। JHMC में मावन अरकान का भी इंतखाब किया जाएगा। सोशल मीडिया कमेटियों के जरिए हुकूमत की स्कीमात पार्टी के प्रोग्राम्स की तशहीर और अपोजिशन जमातों के झूठे इल्जाम का मुंह तोड़ जवाब देने का उन्होंने मशवरा दिया है।